Assalamu alaikum. Good morning, guys. Hope you all will be very good. Today, we are going to discuss a new topic, and this is very interesting. Definitely, it would be very interesting for all of you. We are going to discuss the stages of language acquisition. We are going to discuss the stages of language acquisition and before going to start there is a note which you can see on the slide to understand the phenomena of uh, complete language acquisition in early stage of the child you need to watch this video till end if you find it good then like subscribe and share this video also thank you so you need to watch this video till then this is the key for learning introduction stages of language development in nearly all cases the mom cases me children language developments follows a predictable sequence uh, बच्चों की जो लर्निंग होती है वो एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस के साथ चलती रहती है मीन ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा अब ये ये काम करने वाला एक है एक सीक्वेंस है हाउ एवर देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द एज एक उम्र ऐसी भी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा किस्म की वेरिएशन हैं विच चिल्ड्रन चिल्ड्रन रीच आ गिवन माइल स्टोन जिस पर बच्चे एक दिए गए माइल स्टोन पर पहुँचते हैं फर्दर मोड मजीद ये ईच चाइल्ड हुड डेवलपमेंट इज़ यूजली करेक्ट्राइज बाई ग्रेजुअल एक्जिशन ऑफ पर्टिकुलर एबिलिटीज़ मजीद ये कि बच्चा एक पर्टिकुलर जो एबिलिटीज़ है मखसूस जो सलाहियतें हैं वो एज के एक मखसूस हिस्सों में आके उम्र के एक मखसूस हिस्सों में आके सीखता है दस करेक्ट यूज़ ऑफ़ इंग्लिश वर्बल इन्फ्लैक्शंस विल एमर्ज ओवर अ पीरियड ऑफ यर्स और मोर तो ये जो एक लर्निंग होती है इंग्लिश के हवाले से खासकर जो वर्बल इन्फ्लैक्शन हैं वो एक वो किसी एक मखसूस साल के दौरान ज़ाहिर होते हैं या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेज एक ऐसी स्टेज से स्टार्ट होता है वेयर इन्फ्लिक्शन आर ऑलवेज लेफ्ट आउट जिसमें जो इन्फ्लिक्शन है वो हमेशा छोड़ दिए जाते हैं एंड एंडिंग एंडिंग इन अ स्टेज और एक ऐसी स्टेज पर जाके ये खत्म होते हैं वेयर दे आर नीयरली यूज ऑलवेज करेक्टली जब उनको एक बिल्कुल ठीक तरीके से अदा किया जा रहा होता है देर आर मैनी डिफरेंट वेज टू करक्ट्राइज द डिवेलमेंटल सीक्वेंस इसके अलावा भी कई और रास्ते हैं जो डिवेलपमेंटल सीकुंस को ज़ाहिर करते हैं कहने का मकसद ये है कि बच्चा अपनी उम्र के एक मखसूस हिस्से से जब चीज़ों को लर्न करना सीखता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वह उम्र के उस हिस्से में जाकर उन चीज़ों को बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा होता है और यह है टॉप लेवल का लैंग्वेज एक्विजिशन मोस्ट पेरेंट्स कैन हार्डली वेट फॉर देयर बेबी कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बड़े कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बड़ी, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की जो है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट का वेट करते हैं टू सेट्स फर्स्ट वर्ल्ड कई पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से इंतज़ार करते हैं कि उनका बच्चा जो है ना पहला वर्ल्ड का वो कोशिश करते हैं जल्दी करते हैं उनका बेटा या बच्ची जो है वो पहला वर्ल्ड बोले प्रोनाउंस करे दिस यूजली हैपन्स बिटवीन नाइन मंथ एंड एयर और ये चीज कब होती है पहला वर्ल्ड बच्चा कब बोलता है नाइन मंथ से लेके वन ईयर के, के दरमियान किसी भी टाइम बच्चा बोलता है रीजन क्या है चूंकि इंडिविजल डिफ्रेंस मौजूद है इस वजह से कोई बच्चा पहले बोलता है कोई बच्चा लेट बोलता है फ्राम अबाउट टू ईयर दो साल की उम्र से द चाइल्ड शुड बी एबल टू यूज सिंपल फ्रेजेज यानी कि दो साल की उम्र से बच्चा टू वर्ड्स के कंबिनेशन से शॉर्ट फ्रेजेज बोलना शुरू करता है एंड बाय थ्री और तीन साल की उम्र से ही शुड बी एबल टू यूज फुल सेंटेंसेज वो इस काबिल होना चाहिए कि पूरे सेंटेंसेज बोल सके बाय फोर चार साल की उम्र से He should be fully able to talk। उस बच्चे को पूरा पूरा बोलना चाहिए Although he may still make grammatical errors, अगर अगरचे अभी तक वो grammatical errors कर सकता है By फाइव पाँच साल की उम्र तक he should have acquired basic language। उसको जो basic जो language है वो सीख लेनी चाहिए बोलनी चाहिए नेक्स्ट आप स्लाइड पे देख सकते हैं ये एक हेडिंग दी हुई है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इसको समझना अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ अ स्पेशल एजुकेशन टीचर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ जनरल एजुकेशन अगर आप टीचिंग फील्ड से जो है ना वाबस्ता हैं कंसर्न ने तब भी आपके लिए स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विशन समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों के लिए ये स्टेज़ज ऑफ लैंग्वेज एक्जिशन अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप कैंडिडेट हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के फॉर एंड इफ़ यू आर द जॉब सीकर एज अ स्पेशल एजुकेटर तो भी आपके लिए स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज एक्जिशन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन आई सजेस्ट यू टू लर्न लाइक दैट इनको इस तरह लर्न करें कि ये आपकी फिंगर टिप्स पर हो जाएं नंबर वन पे है जी बैबलिंग बैबलिंग का जो पीरियड है वो है सिक्स टू एट मंथ इसमें रेपिटेटिव सीवी पैटर्न होते हैं और अच्छा बैबलिंग क्या है बैबलिंग कहते हैं ता ता जैसे बच्चा जब करता है ये दिस इज कॉल्ड बैबलिंग अच्छा उसके बाद है फिर हमारे पास वन वर्ल्ड स्टेज अच्छा इस स्टेज का एक दूसरा नाम भी है होलोफ्रेस्टिक होलोफ्रेस्टिक स्टेज वन वर्ल्ड स्टेज को होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहते हैं और ये जो वन वर्ल्ड स्टेज होती है ना ये बच्चा नाइन टू एटीन मंथ्स या टेन टू एटीन मंथ्स भी कर ले टू एटीन मंथ्स है जिसमें बच्चा वन वर्ड सीखता है तीसरे नंबर पे है टू वर्ल्ड स्टेज ये एटीन टू ट्वेंटी फोर है इसमें बच्चा मिनी सेंटेंसेस बोलता है दो एक्सक्यूज मी यानी कि टू वर्ड्स है ना और इसमें आ, सिंपल सिमेंटिक रिलेशन यानी कि वर्ल्ड मीनिंग सिमेंटिक कहते हैं वर्ल्ड मीनिंग को सिंपल सिमेंटिक रिलेशन भी बच्चा फाइंड आउट करने की या समझने की कोशिश करता है नंबर फोर पे है टेलीग्राफिक स्टेज इसको अर्ली मल्टीवर्ड स्टेज भी कहते हैं और ये जो टेलीग्राफिक स्टेज है ये बच्चे की ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑफ एज से ट्वेंटी फोर ऑफ एज से लेके थर्टी मंथ्स ऑफ एज तक है चौबीस महीने से तीस महीने का जो बच्चा होता है वो टेलीग्राफिक स्टेज में होता है नंबर फाइव पे है मल्टी मल्टीवर्ल्ड स्टेज ये थर्टी प्लस मंथ्स में ये एज होती है इसमें जो ग्रामेटिकल हैं या फंक्शनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अमर्ज होते हैं बच्चे की लैंग्वेज में तो ये हमारे पास है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आगे एक और स्लाइड आप देखेंगे ये है वोकलाइजेशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ पैदायश के वक्त एट बर्थ द इन्फेंट वोकल ट्रैप इन समेज मोर लाइक दैट ऑफ एन एप एक एप की तरह एक चिंपेन्जी की तरह एक बच्चे की जो है ना साउंड जिसको हम लोग क्राइंग या कुइंग स्टेज भी तो कह रहे थे ना दैट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन तो बच्चे की जो आवाज है ना वो चैंपी से मिलती है कब पैदाइश के टाइम इट इज नॉट लाइक एक्चुअल ह्यूमन इन पर्टिकुलर द टिप ऑफ द वीलम रिजेज और ओवरलैप्स ये विलम ये उसमें स्पीच ऑर्गन का ये है ना पार्ट ओवरलैप्स विद द टिप ऑफ द एपिगलॉटिस तो ये स्पीच ऑर्गन की डेवलपमेंट की बात हो रही है एज द इंफेंट ग्रोथ जैसे ही बच्चा बड़ा होता है इन्फेंट की एज क्या होती है जीरो टू वन मंथ जीरो टू वन ईयर दैप ग्रेजुअली रिशेप इट सेल्फ इन द एडल्ट पैटर्न तो ये नेचरली बच्चे की जो ग्रोथ है वो चीजों की होती रहती है स्पीच ऑर्गन की अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट टू मंथ लाइफ ये थोड़ी डिटेल आ रही है चीज़ों की हमने स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बेशक ऊपर एक डिस्कस कर लिया है लेकिन फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ लाइफ में बच्चा क्या करता है अब जरा हम उस उनको ज़रा देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ द लाइफ इन्फेंट वोकलाइजेशन आर मेनली एक्सप्रेशंस ऑफ डिसकम्फर्ट पहले बच्चा जो अपने जिंदगी की जो पहले दो महीने होता है वो किस चीज़ का एक्सप्रेशन देता है डिसकम्फर्ड के ही अप्रेशन देता एक्सप्रेशन देता है ना अच्छा इस स्टेज को हम लोग क्राइंग स्टेज कहते हैं क्राइंग स्टेज की एज है जीरो टू वन मंथ और अगर पहले टू मंथ की बात की जाए तो इस स्टेज का नाम दिया जाता है क्राइंग एंड फसिंग एफ यू डबल एस आई यानी क्राइंग एंड फसिंग जीरो टू टू मंथ की जो एज होती है अलोंग विथ साउंड प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्लेक्सिव और वेजिटेटिव एक्शंस सच हैस कॉफिंग यानी कि इस एज के जो एक्शन है, क्या हैं कॉफिंग है सकिंग है स्वॉल्विंग है और बर्फलिंग है बर्फिंग यानी कि डकार लेना बी जो आर पी एन जी बर्फिंग डकार लेना देर आर सम नॉन रिफ्लेक्सिव नॉन स्ट्रेस साउंड लोअर विलम यानी कि लोअर विलम के साथ भी कुछ नॉन रिफ्लेक्सिव साउंड प्रोड्यूस की जाती है जो बच्चा करते हैं a, celibic, measles, vowels. So, इसमें जो सेलेबिक वॉबल्स मिजिलाईज वॉबल्स हैं उनकी भी साउंड आती है लेकिन यह नॉन रिफ्लेक्सिव साउंड कहलाती है बिटवीन द पीरियड ऑफ टू टू फोर मंथ्स इस स्टेज को क्या कहते हैं दो से चार महीने के दौरान इन्फेंट बिगिन मेकिंग कम्फर्ट साउंडस बच्चा जो है इन्फेंट जो है वो कम्फर्ट साउंड बनाना शुरू कर देता है टिपिकली इन रिस्पॉन्स टू तो फ्लैजरेबल इंट्रेक्शंस और वो क्या होता है खुशी के जो इजहार होता है उसके रिस्पॉन्स में With के केयर गिवर या वालेदेन ही उसके साथ प्लेजर शो करते हैं ना तो उस प्लेजर के रेस्पॉन्स में बच्चा भी एक कंफर्टेबल साउंड निकालता है द अर्लियर साउंड मे बी ग्रंट्स और साइस विद लेटर वर्जन बींग मोर वावल्स लाइक कूज द वोट वोकल ट्रैप इज़ हेल्ड इन फिक्स पोजिशन इसमें जो बच्चे का जो वोकल ट्रैक होता है वो फिक्स पोजिशन न, वो brief isolation में थे इनिशियली कम्फर्ट साउंड ऑफ ब्रीफ एंड प्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन जो ब्रीफ जो कंफर्टेबल साउंड होते हैं ना वो ब्रीफ भी होती है और आइसोलेशन में थे बट लेटर अपेयर इन सीरीज सेपरेटेड बाई ग्लॉटल स्टॉप्स लेकिन बाद में यह इंक्रीज होकर ग्लॉटल स्टॉप्स तक आ जाती है लॉफ्टर अपेयर अराउंड फोर मंथस बच्चे का जो लॉफ्टर है लॉफिंग है वह फोर मंथस के नजदीक अपेयर होता है और यह अहम पॉइंट है इस स्टेज को हम लोग कूंग स्टेज भी कहते हैं सी डब्ल्यू एन जी कूंग बिटवीन फोर टू सेवन मंथ जी नेक्स्ट पॉइंट है जी मेरा During the period from 4 to 7 months, infants typically engage in vocal play, manipulating pitch to produce squeals and growls, loudness, producing yells.

एक तरह की ये बेबलिंग का इनिशिएटिव है बेबलिंग की जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे मैंने उनके नाम आपके साथ बताए हैं यकीन आप इनको नोट डाउन कर रहे होंगे अच्छा सेवन मंथ्स में बच्चे की क्या एक्टिविटी होती है एट सेवन मंथ्स, कॉनॉक्ल कॉनिकल ओके कॉनिकल बैबलिंग अपीयर्स बच्चा कॉनॉनिकल बैबलिंग स्टार्ट करता है बच्चा ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है दैट हैज चॉप्ड अप रैपिडली बाय ऑरल आर्टिकुलेशन इन टू सिलेबल लाइक सीक्वेंस बच्चा इस एज में सिलेबल सीक्वेंस के साथ साउंड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग दियर जॉज बच्चा अपने मुँह को खोलता है और बंद करता है अपने जबड़े को लिप्स एंड टंग के साथ भी यही होता है द रेंज ऑफ साउंड प्रोड्यूसर हर्ड ए स्टॉप लाइक ग्लाइड लाइक तो साउंड इस तरह के जैसे कोई बच्चा बोलता है खामोश होता है या स्लो करता है स्लिप करता है या किस सेंस में फिर एफ्रिकट्स एंड लिक्विड आर रियली मोर हर्ड ये तीन एक्सप्रेशन है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जा सकता है एंड क्लस्टर्स आर इवन रियल यानी कि ग्रुपिंग नहीं होती उसमें वावल्स टैन टू बी लो वावल्स जो है ना लो होते हैं एंड ओपन और खुले भी होते हैं एटलीस्ट इन दिगिनिंग स्टार्ट में रिपीटेड सीक्वेंस आर ऑफन प्रोड्यूस्ड बच्चा बार बार चीजों को रिपीट करने की भी कोशिश कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल बाबा न न और फिर एक और तरह के भी सीक्वेंस होते हैं जिनको वेराइगेटेड सीक्वेंस कहा जाता है इन विच द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कांसनेट जैसे जिनके जिसमें कॉन्सनेट के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये आर्टिकुलेशन के दौरान सामने आता है द वेराइगेटेड सीक्वेंस आर इनिशियली रेयर वेरीगेटेड सीक्वेंस जो है ना बहुत नायाब होते हैं एंड बिकम मोर कॉमन लेटर ऑन और ये बाद में कॉमन होते हैं बोथ वोकल प्ले एंड बैबलिंग आर प्रोड्यूस्ड मोर ऑफन इन इंट्रैक्शन विद केयर गिवर्स तो ये केयर गिवर जो कि पेरेंट्स ही हैं यकीन तो ये उनके साथ जब जो है ना ये इंट्रैक्शन हो रही होती है बच्चे की तो उसमें ये वाले चीज़ें सामने आती हैं बट इन्फेंट्स विल ऑल्सो प्रोड्यूस दैम लेकिन बच्चे ज्यादातर इंसान को उस शोक प्रोड्यूस करते हैं जब वो एलोन यानी कि अकेले होते हैं नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ल्ड होलो फ्रेस्टिक स्टेज एट अबाउट टेन मंथ दस महीने की उम्र में इनफे स्टार्स टू अटर वर्ल्ड बच्चा वर्ल्ड को बोलने की कोशिश करते है विच आर रेकोग्नाइजेबल ऑल्सो सम वर्ल्ड वोकलाइजेशन दैट डो नॉट कोरिलेट वेल जो कि कोरिलेट भी नहीं हो रही होती विद वर्ड्स इन द वोकल लैंग्वेज में कंसिस्टेंटली यूज बाय आर्टिकुलेटर्स इनफेंट टू एक्सप्रेस पार्टिकुलर इमोशन पार्टिकुलर इमोशन को जाहिर करने के लिए बच्चा उन अल्फाज को इस्तेमाल करता है जिनकी जरूरत नहीं होती है वन इन्फेंट इज रिपोर्टेड टू हैव यूज टू एक्सप्रेस प्लेयर एक बच्चा जो है इन जो है वो प्रेजर को शो करता है और दूसरा बच्चा जो है हो सकता है वो डिस्ट्रेस को शो करे या डिस्कम्फर्ट को शो करे फॉर द मोस्ट ऑल ज्यादातर रेकग्नाइजेबल वर्ड्स आर यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस सूरत हाल में हमेशा ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे जिनको आप रेकग्नाइज करते होंगे पहचानते होंगे दैट सीम्स टू इन्वॉल्व नेमिंग और ज़्यादा ज्यादातर ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी ना किसी नाम पे किसी ना किसी नाउन पे मुश्तम होते हैं जैसे डक वायल्ड द चाइल्ड हिट्स अ टॉय डक जबकि बच्चा जो है ना जो टॉय डक करता है उसको हिट भी करता है स्लीप द चाइल्ड स्लीप्स विद अ ब्लूम और फिर अगर आप कार का वर्ल्ड यूज़ करेंगे तो बच्चा जो है ना आपके घर के बाहर लिविंग रूम से ड्राइंग रूम से बाहर गिराज की तरफ देखने की कोशिश करेगा मतलब वो वर्ल्ड के साथ एसोसिएशन ढूंढना शुरू कर देता है आपने नाम लिया किसी भी चीज़ का नेमिंग से मुराद जो मैंने आपको कहा नाम लिया आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कंप्यूटर तो बच्चा मशीन के अंदर मशीन के कंप्यूटर घर के अंदर जो कंप्यूटर पड़ा उसकी तरफ देखेगा मतलब ये कि बच्चे को वन वर्ल्ड का सीक्वेंस समझ आना स्टार्ट हो जाता है पापा की बात करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं पापा तो बच्चा अपने वालद अपने फादर की तरफ ही देखेगा यंग चिल्ड्रन ऑफन यूज द वर्ड इन वेज दैट आर टू नैरो टू ब्रॉड जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो वर्ड्स को या तो किसी ब्रॉडर सेंस में या फिर नैरो तंग सेंस में उनको यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉटल है हमारे पास फॉर ओनली प्लास्टिक बॉटल मतलब वो चीज़ों को इस तरह कि बॉटल का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो या उसमें ओपन में नहीं आएगा बॉटल है तो वो प्लास्टिक बॉटल पे आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल टैडी तो टैडी जो है वो यकीन एक पर्टिकुलर बेयर के लिए यूज़ होता है तो बच्चा इसको इसी सेंस में ही लेगा डॉग Used for lambs, cats, and cows as well. Kick for pushing or flapping something. These under in, uh, these under extensions and over extensions. डेवलप एंड चेंज ओवर टाइम इन एन इंडिविजुअल यूजेज ये जो चीजें हैं अंडर एक्सटेंशन या सिंपल एक्सटेंशन ये विद द पीरियड ऑफ द टाइम टाइम टू टाइम हर इंडिविजुअल के अंदर चेंज होती रहती हैं नेक्स्ट हमारे पास है परसेप्शन uh, uh, के साथ परसेप्शन वर्सेज प्रोटेक्शन फ्लेवर एक्सपेरिमेंट

और ये कब होता है फोर से नाइन मंथ्स के दौरान बच्चे बोल नहीं सकते लेकिन वो अपने गेज से आपको एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे और ये ज़्यादातर कब होता है बैबलिंग स्टार्ट होने से पहले होता है दर हकीकत द डेवलपमेंट ऑफ फोनोलॉजिकल एबिलिटी जो फोनोलॉजिकल एबिलिटी होती है ना ये कब डिवेलप होती है बिगेन्स इवन अर्लियर ये जल्दी स्टार्ट हो जाती है न्यू बॉर्न कैन डिस्टिंग्विश स्पीच फ्राम जो नए बच्चे होते हैं बेबीज़ होते हैं वो स्पीच को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्राम नॉन स्पीच नॉन स्पीच से एंड कैन कैनल्सो डिस्टिंग्विश स्पीच और स्पीच को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एमंग स्पीच साउंड उन तमाम स्पीच साउंड से फॉर एग्जाम्पल टी को डी के साथ किया जा सकता है को के के साथ रिप्लेस किया जा सकता है विद इन अ कपल ऑफ मंथस ऑफ बर्थ बच्चे के पैदा होने के कई महीने के बाद इन्फेंट्स कैन डिस्टिंग्विश स्पीच जो मासूम बच्चा इन्फेंट्स है वो स्पीच को डिस्टिंग्विश कर सकता है और किस में करेगा अपने नेटिव लैंग्वेज में करेगा लिंग्विस्टिक इंट्रेक्शन विद मदर फादर्स एंड अदर केयर गिवर is certainly more important, establish for establishing and consolidating these early abilities long before the child is giving any indication of the language abilities. सबसे important क्या है क्या, क्या चीज़ establish करनी चाहिए कि बच्चे की जो जो early abilities है इनको establish करने की ज़रूरत है और ये उस वक्त मुमकिन है जब बच्चा लैंग्वेज uh, एबिलिटीज़ की इंडिकेशन देना स्टार्ट करे और ये कब होता है जब अर्ली लिंग्विस्टिक इंट्रैक्शन हो रहा हो किसके साथ होता है बच्चे का मदर के साथ होता है फादर के साथ होता है या बाकी जो उसके केयर गिवर्स होते हैं फैमिली मेम्बर्स दादा दादी दा, नाना ना। उन सबके साथ जब इंट्रैक्शन हो रही थी तो वो बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ ही बच्चे को लेके जाता है और ये उस, उसकी बुनियाद एक बन रही होती है एस्टैब्लिशमेंट हो रही होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ विकैबलरी डेवलपमेंट ये एक छोटा सा वो है इन बिगिनिंग स्टार्ट में एड करते हैं लेकिन जल्दी नहीं आसा आसा हेयर आर मैय ऑफ एक्टिव वोबलोरी डेवलपमेंट वोबुलरी डेवलपमेंट के मैयर क्या हैं हम उनको जरा देख लेते हैं इसमें है अर्ली मल्टीवर्ल्ड स्टेज इस स्टेज में क्या होता है चिल्ड्रन हु आर आज टू रिपीट सेंटेंस उन बच्चों को जिनको रिपीट सेंटेंस करने का कहा जाता है मे सिंपली लीव आउट द डिथर्मिन मॉडल्स एंड वोकल्स ऑक्सिलरीज वोकल इन्फ्लेक्शन एटसेट्रा बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट डू वी से टेलीग्राफिक स्टेज आप स्लाइड पे देख सकते हैं पैटर्न ऑफ रीडिंग आउट मोस्ट ग्रामेटिक स्लैश फंक्शनल मोफीम इज कॉल्ड टेलीग्राफिक एंड सो पीपल सम्स रेफर टू द अर्ली मल्टीवर्ल्ड स्टेज एट द टेलीग्राफिक स्टेज अच्छा टेलीग्राफिक स्टेज का ये जो मैंने सेंटेंस आसान अल्फाज में आपको पता हूँ टेलीग्राफिक स्टेज चौबीस से तीस महीने के दौरान होती है और इसमें बच्चा दो से ज्यादा वर्ड्स ही बोलता है नेक्स्ट हमारे पास है एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स एट अबाउट द एज ऑफ टू दो साल की उम्र में फर्स्ट बन टू यूज द ग्रामेटिकल एलिमेंट्स बच्चा पहली दफा ग्रामेटिकल इन इंग्लिश इंग्लिश में दिस इंक्लूड्स फाइनाइट ऑग्जिल इज वॉज वर्बल टेंस एंड एग्रीमेंट एफिक्सिस जिसको एड भी कहा जाता है तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स डिटर्मिनल्स की भी बात हो रही है उनको भी एड करता है बताना। ना प्रोसेस ऑलरेडी ग्रेजुअल है थोड़ा स्लो है इन द मोर इन विच मोर द टेलीग्राफिक पैटर्न्स अल्टरनेट विद एडल्ट और एडल्टाइक फॉर्म्स समटाइम इन एडजस्टेंट अट्रेंसेस इसको हम जरा समझते हैं पॉइंट के जरिए नंबर वन शी इज गॉन एस सच ये पॉस्ट ऑफ है शी इज गॉन स्लाइड में देख सकते हैं हर गॉन स्कूल नंबर टू पे है किंग बीच बॉल हर क्लामिंग ऑफ द लेडर देयर इसको जैम में डाला जाएगा अच्छा दूसरे नंबर पे क्या है एट ट्वेंटी फोर मंथ ये ट्वेंटी फोर मंथस में बोलता बच्चा नंबर थ्री पे आई टीजिंग मनी आई टीजिंग ममी ये बच्चे ने कब बोला जब वो ट्वेंटी फोर मंथ्स में है नंबर फोर पे आई हैविंग दिस, ये ओलिविया ने कहा ट्वेंटी सेवन मंथ के एज में नंबर फाइव पे I am having this little one means I have that thing number 6 pe mummy have finished jet has she ओलिविया ने कहा थर्टी सिक्स की एज में तीसरे नंबर पे मेरे पास एक पॉइंट है थ्री स्टेजेस ऑफ कैबरी बिल्डिंग नंबर वन पे है जीरो से तीन साल का जो बच्चा है नाइन हंड्रेड टू वन थाउजेंड नंबर टू पे है फोर ईयर्स चाइल्ड फिफ्टीन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड नंबर थ्री पे है फाइव ईयर्स ओल्ड टू थाउजेंड टू ट्वेंटी तो स्टूडेंट आई होप के ये जो फाइव स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा क्लियर कर क्लियर हो चुका होगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई वुड शेयर समथिंग फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल थैंक यू वेरी मच टेक गुड केयर गुड लक